हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ माय 18 व्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल, जो कि है NSP में, और उस मॉल को खुले हुए कुछ ही टाइम हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज पैसिफिक मॉल को एक्सप्लोर करती हूँ। सो चलते हैं। गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं मॉल, और जैसे हमने गेट नंबर 5 से एग्जिट करा मेट्रो स्टेशन के, वैसे आपको सामने मॉल दिख जाएगा। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मॉल, और आप देख ही रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपको फेमस रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जैसे कि हल्दीराम, टैको बेल, और आप देख ही रहे हैं कि हल्दीराम। सो आप देख ही रहे हैं जैसे कि डोमिनोज, बर्गर किंग, काफ़ी फेमस यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, और आप देख रहे हैं कि मॉल में बहुत ज़्यादा क्राउड है, और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत काफ़ी अच्छा है। और जो आप ये ग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि वैसे और मॉल में जैसे टॉप पर होता है खाने का, बट यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे है सब कुछ खाने का, और सीटिंग का भी है कि आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कैफे चेन्नई है, बैर कोस है, और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर आराम से आप सिटिंग करके आराम से खा सकते हैं। और ये कैंडी शॉप है, और काफ़ी सारा मतलब काफ़ी क्राउड था, और आगे जैसे हम जा रहे हैं वैसे और भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कैस्टल किचन, KFC भी है यहाँ पर, और भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, और हर रेस्टोरेंट के बाहर थोड़ी बहुत भीड़ थी। और आप देख ही रहे हैं कि मॉल में काफ़ी क्राउड है, और मैं सैटरडे को गई थी बट फिर भी काफ़ी क्राउड था यहाँ पर। यहाँ से गाइस एग्जिट है, और क्या कहते हैं, एंट्री मॉल के गेट से भी थी, वो मेट्रो के गेट से भी थी। ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा दिखेगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं बहुत फेमस शोरूम है वेस्ट साइड। मार्क्स एंड स्पेंसर्स, नाइका, और भी आपको काफ़ी सारे फेमस शोरूम्स वगैरह यहाँ पर दिख जाएंगे अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है। चलिए मेरे पीछे पीछे, अब मैं आपको और सारी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मतलब आपको क्लोथ या परफ्यूम या फैशन का कुछ जैसे चाहिए तो आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिली जाएंगी। और अब हम जा रहे हैं वॉक स्ट्रीट की तरफ, आप देखना कि काफ़ी अच्छा है वॉक स्ट्रीट पे, यहाँ की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर बच्चे वगैरह मतलब बाइक वगैरह चला सकते हैं, और भी यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स लगी थी जहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा, जैसे कपड़े वगैरह भी, और भी जैसे कि घर में डेकोरेशन वगैरह के लिए भी, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे आप देख ही रहे हैं ये सूट का स्टॉल है, और ये यहाँ पर इयररिंग्स वगैरह का स्टॉल है, फिर ये कुर्ती और सूट वगैरह का स्टॉल है, तो ऐसे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे छोटे छोटे। फिर कैफे जेड है, और ये शायद बंद है तो शायद खुलेगा भी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, आप वहाँ ऊपर भी खा सकते हैं, और यहाँ पे ये टॉय वगैरह भी मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप एक बार यहाँ पर रीच करते हैं तो आपको तभी पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन वगैरह भी होते रहते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की जो लोकेशन है काफ़ी अच्छी है, और NSP काफ़ी नियर है वैसे तो, और NSP में ये काफ़ी बड़ा मॉल है पैसिफिक मॉल। और ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बुक्स वगैरह मिलती हैं, बुक स्टोर है ये, फंकी आइसलैंड है ये, और जहाँ यहाँ पर मतलब छोटे बच्चों वगैरह की गेम्स वगैरह हैं,
आप यहाँ पर छोटे बच्चे वगैरह गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, फर्स्ट फ्लोर पे भी था और ये ग्राउंड फ्लोर पे भी, आप देखते हैं यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड हो रखा है और यहाँ पर काफ़ी काफ़ी पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पर अपना गेम वगैरह खेल रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं, यहाँ पर आपको हर छोटी से लेकर बड़ी गेम मिलेगी। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ अगर आएँ तो मॉल में। सो गाइस आप देखो कि ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे भी है कुछ गेम्स। तो आप देखने कि मैं नीचे जा रही हूँ, आपको नीचे से दिखाऊंगी कि क्या 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 व्यू है। ये नीचे का व्यू है, नीचे भी काफ़ी सारी गेम्स थी। तो आप अपने किट यहाँ पर अपने किट्स को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सैलून्स वगैरह भी थे, जैसे कि गीतांजलि सैलून है ना, देख ही रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। अब देखते हैं मॉल की थीम, यहाँ पर हमेशा जब भी आप जाएंगे तो पता नहीं कितने डेज में ये थीम चेंज होती रहती है। और आप देख ही रहे हैं कि ये थीम ट्री की है, ये बुक से रिलेटेड है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये आइस ओपन भी होती है और बंद भी होती है, अब जैसे आप देख रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि यहाँ पर हमेशा मतलब कुछ टाइम में थीम चेंज होती रहती है। अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। स्टैंड मार्क्स, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी आपको बड़े बड़े शॉपिंग शोरूम्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे थे यहाँ पर, जैसे जो इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स के सारे ही यहाँ पर थे इस मॉल में, आपको मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि डब्लू और भी काफ़ी सारे थे गाइस। मीना बाजार, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के शोरूम्स वगैरह थे और यहाँ पर स्वीट्स वगैरह भी मिल रही थी, डेजर्ट स्वीट सब। और ये मार्केट 99 भी है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह भी लगी हुई थी। तो अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ, मेरा फोन आ रहा है। यहाँ पर भी आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा, यहाँ पर भी शॉपिंग का था सारा, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेंड्स। रिलायंस डिजिटल, और आपको यहाँ पर ढाबा वगैरह भी सब मिल जाएगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे जैसे कि आप देख ही रहे हैं ढाबा। और इनके अंदर का जो व्यू था काफ़ी अच्छा था, सूरा व्यू, ये भी मतलब
और आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे का व्यू कैसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस मॉल में मतलब काफ़ी साफ, मतलब काफ़ी सफाई थी और डेकोरेशन थी पर उतनी ज़्यादा नहीं थी। बट यही है कि NSP में है ये मॉल और काफ़ी नियर है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा मॉल है, तो आप विज़िट कर सकते हैं। और ये किड्स वगैरह का था, यहाँ पर आप अपने किड्स को छोड़ सकते हैं, जैसे आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आराम से किड्स अपने मतलब खेलते रहेंगे। और आप ये देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, ये कुछ एक्शन फिगर्स हैं अलग अलग, और सबके और इनके प्राइस सबके अलग थे, बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े साइज में सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और प्राइस 250 से स्टार्ट था। नहीं, कोई नहीं। और आप देख ही रहे हैं, बहुत क्यूट क्यूट थे ये। तो अगर आप कुछ इस टाइप का एक्शन फिगर परचेज करना है तो आप ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने नियर बाय भी नहीं देखा कि एक्शन फिगर मिलते हैं मुझे इसी मॉल में दिखे। और ये रेस्टोरेंट आप देख ही रहे हैं कि थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, सेकंड फ्लोर पे आपको सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, प्ले टाउन था वहाँ पर। और यहाँ पर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह, प्ले टाउन किड्स वगैरह के लिए था थर्ड फ्लोर पे। और आप देख ही रहे हैं कि नीचे का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा मॉल है। और ज़रूरी नहीं कि मतलब आपके पास काफ़ी पैसे होने चाहिए, तो कोई भी जा सकता है, फैमिली फ्रेंड्स, और एंट्री भी फ्री थी, कोई चार्ज नहीं था यहाँ पर। जो आप खाते हैं तो उसका आपको मतलब उसके पैसे लगते हैं, बाकी वो आपकी चॉइस है, आपको खाना है खाओ ना घर से लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आराम से बैठ के, जिसकी वॉक स्ट्रीट है, आप यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकते हैं। हाँ, कि एक ख़ास बात ये थी कि और मॉल्स में जैसे कि बीच में या फिर टॉप पे, जैसे आप देख सकते हैं कि सुभाष नगर वाला वो जो मॉल है वहाँ पर टॉप पर है सारा खाने का, बट यहाँ पर यह है कि खाने का ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बहुत बड़ा था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत क्राउड था, और यहाँ पर छोटे से लगाकर बड़े तक रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे नहीं कि सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो और जो कि यहाँ पर ये कि एंट्री बिल्कुल फ्री है, और अगर आप कुछ खाते हैं तो उसका चार्ज लगेगा, और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मॉल में। और यहाँ पर एक ऐप था, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कुछ परसेंट ऑफ मिल जाएगा, अगर आप कुछ खाने का कुछ लेते हैं तो उस चीज़ पे आपको ऑफ मिल जाएगा। जैसे आप मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर कई वर्कर्स होते हैं तो वो आपको बता देंगे। तो ऐसा हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो मॉल की वीडियो। गाइस, आपको इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड कई लोग देखते हैं मेरी वीडियो बट सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जब मेरे चैनल मतलब आ ही गए मेरे चैनल पे और वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।